करते हैं स्पोर्ट्स की जानिब। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के क्वार्टर फाइनल मरहले में जर्मनी ने इंग्लैंड और नीदरलैंड्स ने जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कलंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेले गए मेगा इवेंट के तीसरे क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने इंग्लैंड को सख्त मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दे दी। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। तहम पेनल्टी शूटआउट पर जर्मनी ने इंग्लैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जर्मनी को ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश होगा। इस मैदान पर खेले गए टूर्नामेंट के चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड ने जनूबी कोरिया के खिलाफ बआसानी 1-5 से कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। नीदरलैंड्स की तरफ से बाइजन ग्रीन ने 2 जबकि ब्लॉक जस्टन विन बाइनस्टाइन और बाइनस्टेन ने 1-1 गोल किया। नीदरलैंड्स की टीम सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम से पंजा आजमा होगी। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आरीना सबालिंका और पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी मैगिट इलिंट अपनी पेशकदमी को जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन वेमेन सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की आरीना सबालिंका ने क्रोशिया की डोना डोनाविकिच को और मॉरिश टेनिस खिलाड़ी मैक्टा बेनिक ने जमूरिया चेक की कैरोलिना पालिस्कावा को शिकस्त दी। बुध को खेले गए खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आरीना ने उम्दा खेल पेश करते हुए हरीफ क्रोशियन खिलाड़ी डोना डोनाविकिच को स्ट्रीट सीट्स में 6-3 और 6-2 से हराकर टॉप 4 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक और क्वार्टर फाइनल मैच में पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी मैग्डा लेनिंट ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जमहूरिया चेक की हरीफ खिलाड़ी कैरोलिना को सीधे सीट्स में 6-3 और 7-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चेयरमैन PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक ने कराची फुटबॉल हाउस में सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक ने फीफा फुटबॉल हाउस हॉक्स पे कराची का दौरा किया और ग्राउंड की सफाई सुथराई के काम का आगाज़ किया। इस मौके पर हारून मलिक का कहना था कि पाकिस्तान फुटबॉल को दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से हाउस की हालत इंतहाई ख़राब थी। चैलेंज कप फुटबॉल के मौके पर कराची के लोगों ने बताया तो आज यहाँ का दौरा कर रहा हूँ। इनका कहना था कि कोशिश है कि फुटबॉल हाउस की हालत बेहतर बनाने के लिए काम भी जारी रहे और इसे मकामी खिलाड़ियों के लिए भी खोल दिया जाए। कराची का पाकिस्तान फुटबॉल में हमेशा अहम किरदार रहा है। इनका मजीद कहना था कि कराची फुटबॉल हाउस में खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। ग्राउंड की सफाई सुथराई के बाद इसे यहाँ के खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा।